गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 5वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? तीन कथन दिए गए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आपको सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के जैव विविधता और राष्ट्रीय पार्क से जोड़कर देख सकते हैं। हर साल यूपीएससी के द्वारा 1 से 2 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो यह कहता है यह राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक विश्व धरोहर स्थल है। तो आप याद कर लीजिए, यह जानकारी बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जिसे नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है और इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि पहली जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है यह एवी फ्यूनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जानकारी को भी आप याद कर लीजिए, ये जानकारी बिल्कुल सही है। एवी फ्यूनल प्रजाति कहने का मतलब है कि ऐसी प्रजातियां जो एक देश से दूसरे देशों पर आती जाती हैं और अपने प्रवास के लिए समय बिताती हैं। ये प्रवासी प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पक्षियाँ आकर अपने प्रजनन संबंधी गतिविधियाँ करती हैं, इसलिए इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह दुनिया के 2 सींग वाले गैंडों के 2/3 हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2/3 गैंडों के संख्या को प्रतिनिधित्व तो जरूर करता है, लेकिन वो 2 सींग वाले गैंडों का नहीं, वो 1 सींग वाले गैंडों का 2/3 मतलब लगभग 66% पूरी दुनिया के 1 सींग वाले गैंडों का 66% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। मुख्य रूप से जो गैंडा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो बिना सींग वाले होते हैं, दूसरा 2 सींग वाले होते हैं, और एक जो होता है उसका केवल 1 सींग होता है। जो 1 सींग वाला गैंडा है उसकी 2/3 आबादी भारत के काजीरंगा और मानस राष्ट्र उद्यान के आसपास रहती है। आपको इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जाननी है वो ये कि ये कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्र उद्यान जो है वो हमारे प्यारा भारत के असम राज्य में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। तो यदि आपको ये कहा जाए कि काजीरंगा राष्ट्र उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये काजीरंगा राष्ट्र उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इससे जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चलिए हम एक एक करके उन पर देखते हैं। यदि हम बात करें काजीरंगा राष्ट्र उद्यान के कुछ ऐतिहासिक बातों पर, तो लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे 1905 के दौर में, उनकी पत्नी मैरी कर्जन उनके द्वारा सबसे पहले इसे एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने पर जोर दिया गया और उन्हीं के द्वारा इसे एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसे काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाता है। 1974 में इसे एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। साथ ही 2006 में भारत सरकार के द्वारा इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें थी काजीरंगा राष्ट्र उद्यान के बारे में, इसे आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानवरों का, तो यहाँ पर हाथी, दलदल में पाए जाने वाले हिरण, भैंसा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं, प्रजातियां हैं। साथ ही जो बिल्लियों की प्रजाति है उसमें तेंदुआ, बाघ, बहुत सारे प्रकार की पक्षियां, गैंडों की वर्तमान संख्या जो है वो 2413 है,
इसी को आगे बढ़ाते हुए 3000 करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे विजन 2020 नाम दिया गया है। ये 2020 मार्च में, याद रखेंगे 2020 मार्च में, अभी कुछ दिन पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार के द्वारा देश के 17 प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस जानकारी को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यह पूछा जाए कि काजीरंगा को भारत के 17 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में से चुना गया है या फिर नहीं, तो आप कहेंगे कि जी हाँ चुना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इससे संबंधित। अगर हम बात करें एक सींग वाले गैंडे का, तो 3 प्रकार की गैंडों की प्रजाति पाई जाती है। उसमें एक सींग वाला गैंडा जो है वो सबसे बड़ा होता है आकार में। इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत कमजोर यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी गैंडा से संबंधित। अगर हम बात करें काजीरंगा के वेटलैंड मतलब आद्र भूमि के बारे में, तो ये एक ऐसा आद्र भूमि है जहां लगभग 96 प्रकार की अलग अलग पक्षियां पाई जाती हैं। यहां पर बाघ इत्यादि तो पाए जाते ही हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से आप अच्छे से कर पाएंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, काफी टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फंसा सकता है, और UPSC 1 से 5 क्वेश्चन ऐसा पूछती है जो पता नहीं चलता है कि विक्रम बैताल कहां से आया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नीचे 4 प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, 4 पौधों के प्रजातियों के, फूलों के प्रजाति के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये किसके बारे में है, ये जो 3 जानकारियां हैं वो किसके बारे में है। आप हमारे इस डिस्कशन को बायोडायवर्सिटी और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में से जोड़कर देख सकते हैं। ये जो जानकारियां लिखी गई हैं वो क्या कहता है, पौधों को आमतौर पर नाचने वाली महिलाओं या हंस के फूल के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। अगला कहता है संयंत्र के संग्रह के शुरुआती रिकॉर्ड 1862 से 1870 के अवधि के बीच दिनांकित थे और फिर हाल ही में इसे खोजा गया है। मतलब इसके बाद 1862 के बाद इसे देखा ही नहीं गया था, अभी हाल फिलहाल में इसे देखा गया है, ऐसा दूसरा कथन बता रहा है। तीसरा कथन कहता है यह पौधा सफेद गैर परिशिष्ट पंख और एक पीले पंखुड़ी की विशेषता रखता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जानकारी जो है वो नीचे जो दिए गए हैं 4 प्रजातियां ग्लोबा एंडरसन आई नील कुरंजी इस्ट्रो बिलेथस कुथियाना सेना स्पैनी सबिलिटी, इनमें से किसकी प्रजाति है। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में तिस्ता नदी की घाटी में दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्र में इस पौधे को बहुत सालों के बाद पहली बार देखा गया है। ये ग्लोबा एंडरसन आई है, ये एक पौधे की प्रजाति है जिसे देखा गया था। ये देखने में कुछ इस प्रकार की है, ये तो पुराना पिक्चर है, जो देखा गया है वर्तमान में ये है, जो पिक्चर एक्चुअली खींचा गया है वो ये है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ये प्रजाति ये क्या है, ग्लोबा एंडरसन आई ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक फूल की प्रजाति है, पहला। दूसरा, इसे कहां देखा गया है। अगर कहा जाए पश्चिमी घाट तो आप कहेंगे कि नहीं, ये कहां देखा गया है, सिक्किम और कहां दार्जिलिंग की पहाड़ी में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और वर्तमान में कहां देखा गया है, तिस्ता नदी की घाटी में। तिस्ता नदी दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो यहां पर इसे देखे गए हैं ये। इसको कुछ नामों से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे डांसिंग लेडी और हंस के फूल, ये 2 नाम है जिनसे इसको जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी ग्लोबा एंडरसन के बारे में, तो इसे आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 जानकारियां दी गई हैं UAPA के बारे में, सही जानकारी की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के सिक्योरिटी से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें पहले कथन का, तो क्या कहता है कि
कि केवल एक संगठन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है। देखिए 2019 में इस पर संशोधन किया गया है, उसके अनुसार 2019 के संशोधन के अनुसार अब किसी व्यक्ति को या तो किसी संगठन को, दोनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि किसी एक संगठन को आतंकी घोषित कर दिया जाता था, जो व्यक्ति इस आतंकी संगठन को संचालित कर रहा होता था, जैसे ही इस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था, वो व्यक्ति बाहर आता और एक दूसरा संगठन बना लेता था और फिर से आतंकवादी गतिविधि संचालित करने लगता था। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया और कहा गया कि संगठन को तो हम आतंकवादी घोषित करेंगे ही करेंगे, व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करेंगे, और यदि व्यक्ति को किया जाता है तो वो संगठन ही नहीं बना पाएगा, और यदि संगठन नहीं बना पाएगा तो निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधि रुकेंगी। तो ये पहला कथन क्या हो जाता है, गलत। दूसरा कथन कहता है एनआईए द्वारा मामले की जांच किए जाने पर जब्ती या संपत्ति की कुर्की की मंजूरी देने के लिए राज्य पुलिस को अधिकार है। गलत, ये अधिकार भी पहले था। मतलब किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता था, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन पहले के कानून के हिसाब से यह था कि उस संगठन के संपत्ति को जब्त करने का अधिकार नहीं था, उसको अनुमति लेना होता था राज्य सरकार से कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए या फिर ना किया जाए। इसकी वजह से देरी होती थी और वो आतंकवादी संगठन संचालित हो ही रहा होता था। तो इस वजह से इस बार जो संशोधन किया गया उसमें क्या किया गया, एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एक मुख्य संस्थान है आतंकवादी संगठन को रेगुलेट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, जिसको 2008 में निर्मित किया गया था, उसके जो महानिदेशक होंगे, यानी कि एनआईए के जो महानिदेशक होंगे, उनको अधिकार दिया गया है कि किसी भी आतंकवादी या फिर आतंकी संगठन के संपत्ति को जब्त किया जाए। ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को, यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम का, तो सबसे पहले इसे 1967 में निर्मित किया गया था। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति को यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो बिना सूचित किए, बिना मजिस्ट्रेट को सूचित किए, बिना चार्जशीट फाइल किए 180 दिनों तक उस व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में रखा जा सकता है, और यदि 180 दिन के बाद में चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसके बाद में सुप्रीम जो अदालत होती है उससे अनुमति लेकर फिर से व्यक्ति को रिमांड में लिया जा सकता है। तो ये अधिकार एनआईए यानी कि यूएपीए के अंतर्गत दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। जो संशोधन किया गया है उसमें तीन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन से संशोधन किया गया है। पहला, पहले केवल और केवल आतंकी संगठन को आतंकवादी गतिविधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता था, अब व्यक्ति को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, पहला संशोधन। दूसरा, जो अधिकार दिया गया है कुर्की जब्ती करने का, वो एनआईए के महानिदेशक को दिया गया है, ये दूसरा याद रखेंगे। तीसरा, पहले क्या होता था कि जांच करने के लिए एनआईए या फिर दूसरा जो संगठन होती थी उसको किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए राज्य के पुलिस की अनुमति लेनी होती थी, अब नहीं है, अब पुलिस जाएगी और सीधे ठोकेगी, अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अब बच के दिखाए आतंकवादी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, अच्छा प्रावधान किया गया है, सही से लागू किया जाता है तो भारत में आतंकवादी गतिविधि रुकेगी। अगर हम बात करें एनआईए का, तो आपको याद होगा 2008 में भारत के मुंबई में, आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, वहां पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को प्रमोट करते हुए वहां पर बहुत बड़ा आतंकी हमला किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उस समय एक कमी देखी गई राज्य सरकार, केंद्र सरकार की, इन सारी की पुलिस जो थी ना वो आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती थी। उससे पहले भारत में आतंकवादी मामलों को रेगुलेट करने के लिए कोई संगठन ही नहीं था। तो उसके बाद में उसी साल, मतलब 2008 में आतंकी हमला होता है और उसी साल 31 दिसंबर 2008 को एक कानून के माध्यम से एनआईए अधिनियम बनाया जाता है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गठित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जितने भी काम है उसको करना है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे।
इसके मुख्य उद्देश्यों की यदि हम बात करें एनआईए के मुख्य उद्देश्यों की, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का लक्ष्य एक बेहतर जांच व्यवस्था बनाना है। कैसा बेहतर? अंतरराष्ट्रीय लेवल का जांच एजेंसी, किसके मामले में? आतंकवादी के मामले में। दूसरा, एनआईए का उद्देश्य उच्च स्तर पर प्रशिक्षित साझेदारी उन्मुख कार्यबल बनाकर आतंकवाद और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी अन्य जांच के उत्कृष्टता के मानक को स्थापित करना है। ठीक, जो अगला है उद्देश्य, वो आतंकवादी से संबंधित कोई भी कार्य हो, देखरेख कौन करेगा? एनआईए करेगा। इनसे संबंधित जो भी आंकड़ा होते हैं उनको इकट्ठा करना, भारत सरकार को नोटिस देना, रेगुलेट करना, ये सारे कार्य जो है वो एनआईए के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना खबरों में थी, किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहां पर चार क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, एमएसएमई, बैंकिंग, कृषि और बीमा। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित मामलों या फिर मुद्दों से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना का, तो इसे जब अभी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं की घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो घोषित किया गया था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया था। ठीक है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो घोषित किया गया था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया था। इनके अंतर्गत क्या किया गया था कि बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपये एमएसएमई सेक्टर में आवंटित किए जाने थे, यानी कि एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया जाना था। ठीक, अभी न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि बैंकों ने यह घोषित किया है कि इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिया ऋण के रूप में, इसलिए यह न्यूज में आया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस योजना का, तो मैंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सारी घोषणाएं की गई। उस घोषणा में जो सबसे बड़ा घोषणा किया गया था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए था, उसके अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाने थे, बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक बात और बताता हूं, इसमें क्या है कि इसमें लिखा गया है क्रेडिट गारंटी योजना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि अभी जितने भी एमएसएमई सेक्टर हैं घाटे में चल रही हैं, या तो उनके संस्थान बंद हैं, या फिर वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका उत्पादन कम हो रहा है। अब मान लेते हैं कि आने वाले समय में क्या भरोसा कि उनकी संस्थान कूदने लगेगी, हो सकता है आने वाले समय में फिर से प्रॉफिट में ना चले, हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो बैंकों ने अभी ऋण दे दिया, आने वाले समय में जो एमएसएमई सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो इन्होंने जो लोन लिया है, जो ऋण लिया है, उसको यदि वो नहीं लौटा पाते हैं, तो जितना पैसा किसी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा लिया गया है लोन के रूप में, उसको बैंकों को कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, और इसी बात की गारंटी दी गई है, इसीलिए इस योजना को क्रेडिट गारंटी योजना कहा गया है। ठीक, तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। यहां यही बातें लिखी गई हैं जिसको मैंने अभी आपको समझाया है, आप इन सारी बातों को ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है? माल और सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, जीएसटी के बारे में आपको सही कथन की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। हम लोगों को अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हम लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो जीएसटी के बारे में पहला कथन क्या कहता है कि यह एक अम्ब्रेला कर है जो सभी प्रत्यक्ष करों को ग्रहण करता है। गलत हो जाता है, जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर वन नेशन वन टैक्स को लागू करता है। मतलब पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर दिए जाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ एक कर दिया जाएगा, और उन सारे अप्रत्यक्ष करों को मिला करके जो कर प्रावधान किया गया है उसको जीएसटी कहा गया है। तो ये पहला कथन क्या हो जाता है? गलत। दूसरा कथन कहता है जीएसटी करों की कैस्केडिंग को समाप्त करेगा और कराधान को सरल बना देगा। बिल्कुल सही है, कैस्केडिंग कहने का मतलब क्या? करों पर कर। पहले क्या होता था, कोई वस्तु 5 रुपये की है, इस पर कर लगाया गया 2 रुपया, तो अब कीमत हो गई 7 रुपया, तो
₹5 पर फिर से टैक्स लगता था और ₹2 पर फिर से टैक्स लगता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस ₹5 पर तो सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा और मूल्यवर्धन के रूप में उस पर कर लगता रहेगा, मतलब ₹2 कर पर कर लगता रहेगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब इसके हिसाब से क्या होगा कि जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, इनके बीच में ही पैसों का लेन देन होगा, इनके बीच में ही पैसों का लेन देन होगा। मतलब बीच में जितने भी मीडिएटर आएंगे ना, उन लोगों को कर लगाने का अधिकार नहीं है। उन लोगों जीएसटी के अंतर्गत फिक्स कर दिया गया है 5%, 18%, इस प्रकार से निर्धारित कर दिए गए हैं। तो अब सबको पता है कि कितना प्रतिशत कर लगाया जाना है। तो उपभोक्ता पहले स्तर पर लगा दिया, बीच में कोई 18% और 5% नहीं लगा सकता। स्टार्टिंग में आपको देखने से लगेगा कि कीमत बढ़ रही है, नहीं, लेकिन जब वो उपभोक्ता तक पहुंचेगा ना, तो वो कम कीमत पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इसे आपको याद रखना है, न्यूज में क्यों आया है। तो फ्रेंड्स, अभी रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ जानकारियों को रिलीज किया गया है और बताया गया है कि पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन 41% तक गिर गया है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हालत हो गया है भारत का। अभी जीएसटी कलेक्शन नहीं आ रहा है और खर्च कितने हैं आप देख सकते हैं। कारण क्या है, सब लोग जान रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे छोटे व्यवसाय हैं जिनको सरकार के द्वारा बहुत सारी छूटें दी गई हैं, बहुत सारे बड़े उद्योग हैं जो अपने अपने स्तर पर रियायतों की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से पैसों यानी कि जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया है। यदि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करें जो पूछा जा सकता है, वो ये याद रखेंगे कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में लगाया जाता है। दूसरा, ये गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली है, इसे आपको याद रखेंगे, मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को अंतिम रूप से उपयोग किया जाएगा, उसके द्वारा कर का फाइनल भुगतान किया जाएगा, इसीलिए ये एक गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये भारत में वन नेशन वन टैक्स प्रावधान को लागू करता है, 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू कराया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये मूल्यवर्धन यानी कि जो कीमत बढ़ रही है, मतलब ₹5 से ₹7 हो गया, ₹5 से ₹7 हो गया, ₹7 से ₹9 हो गया, तो जो मूल्यवर्धन हो रहा है, जो कीमत बढ़ रहा है, उस पर कर लगाया जाता है। बस जो एक बार किसी वस्तु पर कर लगा दिया गया 5%, 10%, बार बार वो कर फिर से नहीं लगाया जाता, इससे वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम। आप कहेंगे कि फिर महंगाई कहां से कम हुई, महंगाई नॉर्मल है। और दूसरा, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जिन पर जीएसटी लागू ही नहीं होता है, इस वजह से तेल वगैरह इत्यादि जो है ना, पेट्रोल डीजल, इनकी वजह से नहीं होता है, मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा कीमत है। और बस यही रीजन है, जिस दिन पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर और इसी तरह से शराब इत्यादि जो है, उन पर अगर जीएसटी लगने लगा ना, तो फिर बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित कोई भी मामला होता है फ्रेंड्स, तो उसको जीएसटी परिषद के द्वारा निपटाया जाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इससे आगे और कुछ बातें थी, एक अन्य बात जिसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तो वो ये कि अभी यूनेस्को के द्वारा 2020 का ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया गया, तो इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात आपको तो यही याद रखनी है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें नहीं कहा गया, लेकिन एक बात कही गई कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से असमानता बढ़ रही है, जिनके पास तकनीक है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच है, जो लोग शहरों या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, उन लोगों के पास शिक्षा की पहुंच तो है, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो क्षेत्र गांव में है, जो स्कूल गांव में है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, गांव को लौट गए हैं, आप सोच सकते हैं उन लोगों को क्या सामना करना पड़ रहा होगा।
तो ये असमानता बहुत बड़ी असमानता है, और ये असमानता सिर्फ ग्रामीण और शहरों के मामले में नहीं है, अमीर गरीब के मामले में भी है, स्त्री पुरुष के मामले में भी है। और यही रिपोर्ट में बताया गया है। भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं, अगर इनको सही से लागू किया जाता है ना तो पूरी समस्या समाप्त नहीं होगी लेकिन कम जरूर हो जाएगी। जो प्रावधान किया गया है, आने वाले 5 सालों में सभी स्कूल और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में 40% जो छात्र हैं उन लोगों को या तो लैपटॉप बांटा जाएगा या तो टैबलेट बांटा जाएगा। कितने खर्च किए जाएंगे? 60,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आबादी को तकनीकों के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। जो पैसा खर्च होगा वो 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लैस किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा ये तो खुलासा होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही जानिए कि जो हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल, उनको तकनीकी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी बात कही गई है। दूसरा, जो उच्च स्तर के सरकारी स्कूल हैं, मतलब सरकारी स्कूल, यहां तो सरकारी स्कूल की बात की गई थी, मतलब पहली दूसरी तीसरी ऐसे, लेकिन जो उच्च स्तर के सरकारी स्कूल हैं वहां पर लगभग 55,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की गई है। क्या करने के लिए? सूचना और तकनीक उपलब्ध कराने, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने के लिए। भारत में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है पता है? लगभग 3.1 लाख ऐसे सरकारी स्कूल हैं। ठीक, और जो कॉलेज और स्कूल मतलब विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो संसाधन होते हैं, जैसे मैं आपको ये डिजिटली माध्यम से ये जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं, PDF उपलब्ध करा रहा हूं, तो इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए, पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2,306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इतना सारा आवंटन भारत सरकार के द्वारा भारत में इंटरनेट के माध्यम से लोगों को एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, अगर ये सचमुच में रियलिटी लेवल पे बिना भ्रष्टाचार के लागू हो जाता है तो भारत की क्या स्थिति होगी आने वाले 5 साल के बाद। तो ये सारी बातों को आप याद रखें फ्रेंड्स। ये हमारा आज का डिस्कशन था, काफी लंबा हो गया है, लेकिन आप पेशेंस के साथ सुने। थैंक यू वेरी मच।